गाइस, कैसे हो सारे। आज मैं अपने चैनल का दूसरा वीडियो बना रहा हूँ। तो ये है नेहरू की फोटो, आज मैं इसे कलर करने वाला हूँ। तो गैस ये देखिए, ये मुंह का मैं आधा कर रहा हूं। तो गाइस ये देखिए, ये है वो मछली जैसा, देते हैं फेवर कासल में। तो देखिए इनके कान में जो लाइंस बना था है ना, मैं तो ये वो पीच कलर के वजह से बंद हो गया, लेकिन इसके वजह से ये वापस हम ला सकते हैं। इसे लगाने से ये कलर हट जाता है अपनी जगह से। तो गाइस देखिए, इनका मुंह बन चुका है। अब इनके जो ये मुंह है, इसको हम करेंगे कुछ लाल जैसा, ज्यादा लाल नहीं डालिएगा आप, ये अगर ज्यादा लाल हो गया तो अच्छा नहीं दिखेगा। तो गाइस ये मुंह बन चुका है। अब ये वाला हिस्सा हम काला करेंगे। नहीं गाइस, ये काला नहीं होगा, ये वैसे ही रहेगा, वाइट ही रहेगा। तो गाइस इनके टोपी भी वही वाइट ही रहेगा। ये इसमें थोड़ा सा पेंसिल शेड या इसे दे देने से भी होगा। तो गाइस ये शार्पन नहीं है, तो इसे शार्पन करने के लिए आपके पास अगर शार्पनर आप अगर रखे होंगे तो आप शार्पनर का यूज कर सकती हैं।
तो गाइस फाइनली मैं इसे शार्प कर दिया हूँ। इसे एकदम पतली से करना है, देखिए गाइस ऐसे ही। ये बिल्कुल पेंसिल के कलर जैसा ही लगता है, इसको ऐसे रखने से ही होगा। या तो फिर ऐसे कलर कर देने से भी होगा। गाइस मैं बोला था ये कलर तो नहीं करना चाहिए, लेकिन एक्चुअली इसे कलर करना चाहिए क्योंकि बाल तो काले ही होते हैं, तो हम बाल को कलर कर देते हैं। तो ये टोपी वैसे ही वाइट रहेगी, ये वाला हिस्सा भी हमारा पीच में जाएगा। गाइस ये देख दीजिए पीच, ये मेरा टूटा हुआ है, लेकिन आपके पास अगर अच्छा हो तो आप इसे पूरे ऐसे में बना सकते हैं। तो गाइस देखिए इनका गला भी हो चुका है, अब बस इनके कोट पे कलर देना है। और इनके कोट में दिया जाता है ब्राउन, ये ब्राउन कोट ही पहनते हैं। तो गाइस ये वाला थोड़ा सा डार्किन कर देते हैं। तो गाइस ये हो गया है डार्किन। अब आप कलर करने से आपको किसी को कुछ शक नहीं होगा कि यहाँ पर शक मतलब यहाँ पर ये मिट जाएगा ना, ये पेंसिल का ये बहुत पतला होता है तो क्रेयन लगने से ये दिखाई नहीं देता है। तो अब मैं ऐसे कर दिया हूँ तो दिखाई देगा। तो गाइस देखिए इनके कोट का आधा हिस्सा हो गया है, अब बस ये आधा हिस्सा और बाकी है। और इस जगह पर हम गोल्डन कलर दे देते हैं। देखिए गोल्डन कलर का ये दो बटन हो चुके हैं और अब बस हमें ब्राउन कलर देना है। तो गाइस देखिए ये ब्राउन कलर मैं दे चुका हूँ और इस जगह पर हम एक पॉकेट मतलब एक पॉकेट जैसा है, इसे मैं ड्राइंग नहीं किया था, ये पॉकेट जैसा ही कुछ होता है। ये अपने पॉकेट में हमेशा एक रोज रखते हैं। रखते थे वो हमेशा एक रोज़ रखते थे। ये हैं जवाहरलाल नेहरू, इन्हें ये बच्चों को बहुत प्यार करते थे।
गाइस देखिए, ये सारा हो गया है। अब बस ये वाला बाकी है। इसको हम देंगे ब्लैक कलर। बार बार ब्राउन देने से ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। तो गाइस ये हो गया है नेहरू का। तो नेहरू का ड्राइंग ऐसा ही होता है। अब इस रोज़ में कलर देने की बारी आ गई। तो रोज़ तो एनीवेज पिंक ही होती है। तो गाइस देखिए, इनके पॉकेट के अंदर का रोज भी बन चुका है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ जाके लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस बाय बाय।